और सभी यूनियन ने मिलकर के, संयुक्त किसान मोर्चा ने मिलकर के जो आज ये धरना प्रदर्शन किया है, और आगे की जो रणनीति है मैं बता दूं, जैसे सुखबीर जी ने बताया कि 18 मार्च को हांसी की लाल सड़क से और टिकरी बॉर्डर तक का पैदल मार्च, चाहे वो किसान हो, चाहे किसान का बेटा हो, या फिर हमारे बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट से जिसका निजीकरण होने वाला है, यानी कि सबका साझा ये कार्यक्रम है, किसी एक इंसान का कार्यक्रम नहीं है। और 23 मार्च को जिस तरीके से हमारे उन वीर शहीदों ने देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, और उसमें चाहे आंदोलनकारी हो, चाहे देश के लिए फांसी टूटने वाले हो, चाहे देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले हो, उन सभी का खून आज के युवाओं में दौड़ रहा है, और वो एक दोबारा से हमारा देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, उसको आज़ाद करवाने के लिए जो मार्च रहेगा किसानों के समर्थन में, सभी यूनियन का होगा, और सभी चाहे कोई भी मोर्चा हो, संयुक्त किसान मोर्चा हो, चाहे कोई भी। बहुत धन्यवाद बेटा। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक अच्छी कवित्री हैं और आपका बहुत नाम है हमारे हरियाणा में, आप दो शब्द अपनी कविता के, जो बड़ी आपकी फेमस है किसानों के ऊपर, आप दो शब्द इस चैनल के माध्यम से जरूर कहें। किसान के ऊपर तो मैं हर रोज बोलती हूँ, आज मैं कुछ लाइनें ऐसी कहूंगी कि पढ़ाई कढ़ाई सारी बेच दी, एक दिन ईमान बिक जाएगा। अरे पढ़ाई कढ़ाई सारी बेच दी, एक दिन ईमान बिक जाएगा। अरे रेल की पटड़ी, बस, सड़क, खेत और खलियान बिक जाएगा। आपके दर्शकों तक कहना चाहूंगी कि तामे बैठे रहिए अपने घरों में बन के ना, उस दिन, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मेरा हिंदुस्तान बिक जाएगा। तो हिंदुस्तान हमारा बिक रहा है, संदेश यही है, और आप पीछे देख भी रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं आई भी है, हमारी महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, और यकीनन ये आवाज घर के जब बच्चों ने उठाई है, घर की बेटियों ने उठाई है, तो महिलाएं अपने आप साथ लगेगी, हमें आशीर्वाद देने के लिए लगेगी, और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे पुरुषों के साथ चलेगी। धन्यवाद, ताड़ी बजाइए एक बार।